चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग दोस्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या सेकेंड क्लास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। माना कि एक चाहे जेड एक्सिस जिसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर रखा हुआ है, ये आइटम हो गया, आइटम के सेंटर पार्ट क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये भी आइटम है, आइटम के सेंटर पार्ट क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सिंबल हो गया स्मॉल डी। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर जो हमारा एक्सिस होगा उसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पी सबसेल का ऑर्बिटल है जिसको जेड एक्सिस में रखा गया, अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो वहाँ पर सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। पी सबसेल है जिसको एक्स एक्सिस में रखा गया, पी सबसेल है जिसको वाई एक्सिस में रखा गया, जब उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या एनर्जी। ये हमारा क्या पी सबसेल है जिसको जेड एक्सिस में रखा गया, ये हमारा पी सबसेल है जिसको जेड एक्सिस में रखा गया। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, तो यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे पी सबसेल का ऑर्बिटल का। तो जब पी सबसेल का ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन करते हैं तो एडिशन किया जा रहा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या फूल गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ का ज़्यादा है। यहाँ पर जो बनना है वो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ और पी सबसेल जेड एक्सिस में रखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऐसा ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में उद्देश्य जो बॉन्ड बनाने में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पी सबसेल का ऑर्बिटल जेड एक्सिस में रखा गया, यहाँ पी सबसेल का ऑर्बिटल जेड एक्सिस में रखा गया, जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं चाहे इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये नेगेटिव है, अब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव जाता है, यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होता है जब पी सबसेल को जेड एक्सिस में रखते हैं, तो इसको पढ़ते हैं सिग्मा पी जेड एंटी बॉन्डिंग, जैसे को पढ़ते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हमारा क्या एनर्जी का ऑर्डर है। पी सबसेल है उसको एक्स एक्सिस में रखा हुआ, पी सबसेल एक्स एक्सिस में रखा हुआ, अब पी सबसेल का शेप क्या होता है डम्बल शेप। तो जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो एडिशन किया जा रहा है पी सबसेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, पी सबसेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तब पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और एडिशन किया जा रहा है, ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो बन रहा है वो पाई बॉन्ड बन रहा है, पी सबसेल को जब एक्स एक्सिस में रखा गया तब इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है ज़्यादा। पी सबसेल एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, पी सबसेल भी एक्स एक्सिस, यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन किया जा रहा है और साथ ही साथ क्या किया जा रहा है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है। तो पाई पी एक्स एंटी बॉन्डिंग क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक ऐसा मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में जिसका यूज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। मॉलिकुलर ऑर्बिटल का ऊर्जा का क्रम, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की तरफ पढ़ना, एटॉमिक नंबर 1 से 7 तक। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग की तुलना में, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा 2s बॉन्डिंग की तुलना में, सिग्मा 2s से ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग का, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा एनर्जी है पाई 2px बॉन्डिंग बराबर पाई 2py बॉन्डिंग का, पाई 2py बॉन्डिंग से ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग का, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग से, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग बराबर है पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग की तुलना में। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन रहे तो उसका एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा
सिग्मा वन एस से ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग का, सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा टू एस बॉन्डिंग का, सिग्मा टू एस से एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग का, सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग से ज़्यादा एनर्जी है पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग का, पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग बराबर हो गया पाई टू पी वाई बॉन्डिंग, पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग बराबर है पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज, बॉन्ड ऑर्डर कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर को पता लगाना है, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो गया वन बाय टू एन बी माइनस एन ए। जहाँ एन बी हमारा क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन ए हमारा क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि बॉन्ड ऑर्डर एक से बड़ा है चाहे एक के बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, यदि बॉन्ड ऑर्डर जीरो के बराबर है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर जीरो से बड़ा हो, यदि बॉन्ड ऑर्डर एक से छोटा हो तो जो मॉलिक्यूल है वो हमारे क्या होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब सुविधा महसूस नहीं करता है। अगर बॉन्ड का लंबाई घट रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या बढ़ रही होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या इंक्रीज करने की वजह से, सुविधा बढ़ रहा है सुविधा इंक्रीज कर रहा मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा मॉलिक्यूल का, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या क्यों कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता लगाना है, यदि सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा के फॉर्म में हो तो क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अगर फॉरेन पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड वीकली रिपेल किया तो हो गया हमारा डायमैग्नेटिक सबस्टांस, यदि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो जोड़ा में तो जो बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, जब मैग्नेटिक फील्ड फॉरेन पार्टिकल को वीकली अट्रैक्ट करता हो जो क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस।